सट्टा माफियाओं द्वारा ऑनलाइन सट्टे का चल रहा कारोबार। ऑनलाइन सट्टा युवाओं को ले रहा अपनी आगोश में। कम पैसे लगाकर ज्यादा कमाने की लालच में युवा जा रहे गलत राह पर। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत। सूत्रों की माने तो सट्टे के कारोबार में लिप्त था युवक। पैसों के दबाव में आकर युवक ने की आत्महत्या, लिखा सुसाइड नोट। छिबरामऊ क्षेत्र का मामला। जिले भर में कई जगह चल रहा सट्टे का बड़ा कारोबार। पूरा मामला कन्नौज जनपद के छिबरामऊ कोतवाली के गगन नगला गांव का है, जहां सट्टा माफियाओं ने एक युवक को अपने चंगुल में फंसा लिया और सट्टे की लालच देकर उससे अधिक पैसे वसूल किए। युवक लगातार सट्टा माफियाओं को सट्टा लगाने के एवज में अधिक पैसे देता रहा। युवक के ऊपर कई बार कर्जा हुआ तो परिवार के लोगों ने कई बार युवक को समझाया और कर्जे को चुका दिया, लेकिन लगातार सट्टा माफियाओं ने युवक को लालच देकर अपने चंगुल में फंसा रखा था, जिससे युवक आर्थिक स्थिति तंगी के कारण बर्बाद हो चुका था। ऐसे में युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे युवक की मौत हो गई। मरने से पहले युवक ने अपनी मां और बहन से सुसाइड नोट में सट्टा लगवाने एवज में वसूली करने वाले युवक का नाम सुसाइड नोट में लिखा। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तहरीर के आधार पर कार्यवाही करने की बात कही। नाम है, कहाँ के रहने वाली, क्या मामला है? हमारा नाम इसने लता त्रिपाठी है जी। क्या हुआ? आशुतोष त्रिपाठी बेटा, तीन साल लंता मेरे बउआ को ऐसो फसाओगे मैंने सबने जबरदस्ती के लाओ, जितना कहती को पैसा सब बर्बाद कर दो, मेरो सब जेबर चलोगो। मेरो सब जेबर चलोगो, लला के मैं 3 लाख रुपए अस्पताल से लगाए आई हूँ। जो जब मांगे था 10 लाख को 8 लाख को 5 लाख और धमकी भरे के साले के तो लिखे है। कौन 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 मांग रहे हैं धमकी? कौन दे रहा था? जो विक्रम आई है ना एक दिन धमकी फोन मांगो बउआ चिल्ला। आपने इसकी शिकायत कभी किसी को की थी, पुलिस वगैरह संबंधित शिकायत की थी? एक हमने 4-5 लाख दबा के दो विक्रम को मना करी की हमारे बउआ पैसा दीबे की जरूरत नहीं। माँ सुनो अलग करो, हमने अलग करो, बाकी भैया आपसे एक अलग चिल्लाइयो तो कि कोई मेरे भाई को पैसा ना दे, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे बउआ और एक रात के भगवान 20-20 हजार दे, 40 के 80 रात भरे में हमें 80 हजार चाहिए। नाम है, कहाँ के रहने वाले, क्या मामला? मेरा नाम अभिषेक कुमार त्रिपाठी है। मेरे भाई को लगभग कई दिनों से कुछ लोग परेशान कर रहे थे, जिसमें एक हमारे इनके गांव का गांगी नगला निवासी ग्राम गांगी नगला पोस्ट कसावा जिला कन्नौज थाना छिबरामऊ का एक विक्रम नाम का लड़का, जो कि 5,000 रुपए देके 10,000 रुपए की वसूली करता है, और इसी तरीके से हमारे भाई से लगभग 20-20 हजार के 40-40 हजार रुपए वसूल किए। ये सट्टे खिलवाने का काम करवाता है। पहले इसने कहा कि हमारे भाई से एक बार इसने बहुत पहले प्रताड़ित किया था, लगभग 1 साल पहले, तब हमने इसको इसने हमसे डिमांड की थी 2 लाख रुपए की। हमने कहा था ठीक है हम आपको 2 लाख रुपए देते। हमने अपने घर से हमारा घर उसमें शादी निवासी ग्राम शादीपुर थाना चौबेपुर जिला कानपुर नगर के हैं, हमारा यहाँ ननिहाल है। हमने इसको 2 लाख रुपए अपने घर से लाके दिए आके, लेकिन उसके बाद इसने फिर वही काम किया। इसको रोज के रोज इसको 4,000, 10,000, 15,000 रुपए की सीधे प्रॉफिट हो रही है। इस वजह से इसने मेरे भाई को एक टारगेट किया। इनके साथ ही कई लोग इसमें हमारे भाई के फोन पे मैसेज करते थे कि हमको 5 के 10 दो, 3 के 4 दो, 5 के 10 दो या 20 के 40 दोगे तो हम पैसे दे रहे हैं और इसको खेलो। इनका रैकेट इस तरीके का होता है कि हम आपको 2,000 रुपए देंगे, उसके बाद 2,000 के आप हमें 3,000 रुपए देना, 1,000 आप रख लेना। फिर क्या हुआ? मेरे भाई को शाम को, हम वहाँ कानपुर में थे, मेरी मम्मी घर में थी, शाम को बहुत अच्छे से इसने खाना खाया, सब कुछ किया, उसके बाद इसने छत पे जाके बात की। उसके पहले कोई मिलने भी आया था इससे पीछे, मिलने के बाद ये छत पे गया, बात की जाके इसने, और बाद में जोर जोर से कह रहा था कि हम पैसे कहाँ से लाएं, हमारे पास नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद, लगभग 15 मिनट बाद, वो बोला मम्मी से कि मम्मी आप सो जाके और हम भी सोने जा रहे हैं। इसके बाद थोड़ी बाद जब आवाज आई कुछ खटपट की, तो मम्मी दौड़ के गई देखने के लिए, तो उसने देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है। मम्मी ने तुरंत उसको उठा के यहाँ के नियरेस्ट जो हॉस्पिटल प्राथमिक उपचार के लिए छिबरामऊ लेके गए। वहां पे प्राथमिक उपचार देने के बाद हम उसको वेदांता लेके गए, वेदांता हॉस्पिटल फरुखाबाद, वहां पे पूरा उसका इलाज हुआ। लेकिन
लगभग 3 दिन के बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई तथा वो वेंटिलेटर पे चला गया। उसके बाद वेंटिलेटर के बाद हमारा भाई कल सुबह लगभग 6 बजे उसने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद हमने जब पुलिस से बताया तो पुलिस हमारे यहाँ बोली वो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम कुछ एक्शन लेंगे, जबकि उसका सुसाइड नोट मेरे पास है लेकिन फिर भी वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। सुसाइड नोट में क्या लिखा? सुसाइड नोट पे ये लिखा है कि मम्मी मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे लास्ट टाइम ये सब लिखते हुए बड़ा दिक्कत हो रही है, मुझे पता आपको बहुत दर्द होगा, शायद मेरी मौत का कारण ये विक्रम है, इसने मुझसे लगभग 2 लाख रुपए कम से कम एक्स्ट्रा लिए हैं और ये हर 3 दिन में 15,000 रुपए वसूली करता था हमसे, पहले ये डाल देता है उसके बाद ये दिमाग दिखाता है, इसका बहुत ही ज्यादा इसका रैकेट फैला हुआ है विक्रम का, विक्रम है और इसमें एक दो लोग और भी इसमें शामिल, एक दो लोग नहीं बल्कि 5-6 लोग शामिल है इसमें, हमारे पास मैसेज ऐसे सब है, मेरे पास सारे एविडेंस है और उसी डेट के है उसी टाइम के है। आप चाहे